तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर कितना डिस्कस करेंगे 10। क्या है क्वेश्चन? कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी में 8 ताना, ताना जानते हो क्या होता है? छतरी में जो वायर लगा होता है तार जैसा, वो ताना होता है। उसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मान लेते हैं हम लोग, मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे छाता को हम मान लेते हैं कि एक सर्कल है, इसमें तानों की संख्या है 8। अभी कितना पूरा 4, 6, 2, 8 ताना है। और प्रत्येक ताने के बीच का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखने में कैसा लग रहा है? त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, उससे बना सकते हैं थीटा निकाल के, क्योंकि सेंटर पे टोटल एंगल 360 डिग्री। 8 इक्वल पार्ट बांटेंगे तो 8 से डिवाइड कर देंगे, बना सकते हैं ऐसे। या ये 8 इक्वल पार्ट बट रहा है तो वृत्त के क्षेत्रफल को भी 1/8 पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। जैसे निकालना निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं क्वेश्चन। छतरी की तानों की संख्या है 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रखा है? छतरी के तानों की लंबाई, तानों की लंबाई यानी कि रेडियस को नोट करेगा, वह कितना है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए हमें निकालना क्या है? दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। इसलिए छतरी के दो क्रमागत होता है लगातार, क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। अगर प्रश्न में क्रमागत नहीं देता तो ये ताना के बाद हम ये भी ले सकते थे, ये भी, कोई भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन यहाँ गिवन है, दो क्रमागत तो दो लगातार तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसा करने में कितना पार्ट पड़ता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या हो जाएगा? 1/8 पाई आर स्क्वायर। 1/8 पाई का वैल्यू 22/7 नहीं दिया होगा तब लेंगे हम, 22/7 कह दिया है, नहीं दिया है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर, 2 से 2 से 2 चौक 8, 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गया। अब हम 45 को 45 से गुना करेंगे। तुम लोग को ट्रिक हम बताए थे, यानी कि 45 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, 25 है 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। देखो कितना जल्दी कर लेंगे हम लोग, 4 × 5 × 2 5 का 20, अब 20 × 2 = 40, एक अंक बाद लिखेंगे 40 और जोड़ के लिख देंगे 2025। बट मल्टीप्लाई 11 था, मल्टीप्लाई कितना था? 11, तो सेम चीज मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो फिर यही देगा, देगा ना, समझ रहा बात? 2 2 नहीं देगा, 2 2 2 7 5 आ गया, 8 7 4 28 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 11 नंबर क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन काफी इजी है, ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन? किसी कार के दो वाइपर, कार के सामने शीशा में देखा होगा ऐसे ऐसे करने वाला जो होता है, शीशा को साफ करता है वाइपर होता है। दो वाइपर परस्पर कभी अनाच्छेदित नहीं होती, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता, एक दूसरे को टच नहीं कर पाता। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, पत्ती की लंबाई इतना होगा उतने तक घूम पाएगा, वो साफ कर पाएगा और वह 115 डिग्री एंगल तक घूम सकता है। इमेजिन करो, मान लेते हैं कार का दिशा है
ठीक है, इस पे लगा हुआ है कितना वाइपर, 15 सेंटीमीटर लंबा वाइपर लगा हुआ है, कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबा वाइपर लगा हुआ है, अब घूम सकता है कितना, 115 डिग्री के एंगल पे, तो कुछ इस प्रकार साफ करेगा। दो वाइपर है ठीक है, 115 डिग्री एंगल तक यह घूम सकता है, ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करता है। वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या चीज कि पत्ती की प्रत्येक बुहार के साथ, पत्तियों में से बुहार फुहारा जो निकलता है उसके साथ वह कितने भाग को, कितने क्षेत्रफल को साफ कर पाएगा, कितने क्षेत्रफल को साफ करेगा, था त्रिज्य खंड दिख रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा ना कितने भाग को साफ कर पा रहा है। ठीक है, कार के वाइपर की लंबाई में पता है ना कितना, 25 सेंटीमीटर है, कार के वाइपर की लंबाई, वाइपर की लंबाई डिनोट करेगा रेडियस को। ठीक है, हम लोग एक धागा लेके अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, जितना बड़ा धागा उतने बड़ा सर्कल ड्रॉ करवाते हैं, कि उससे बड़ा कर पाएंगे नहीं, उसी प्रकार वाइपर जितना बड़ा होगा उतने एरिया को कवर कर पाएगा, वही हिसाब से एरिया को कवर करेगा और एंगल के हिसाब से एरिया को कवर करेगा, अधिक एंगल होगा तो अधिक एरिया, कम एंगल होगा कम एरिया, लंबाई बढ़ाएंगे वाइपर का एरिया बढ़ेगा, तो लंबाई और एंगल बढ़ाने पर एरिया बढ़ता है। ठीक है, तो रेडियस को डिनोट कर रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखो यार, हम ऐसे एक चाप लेते हैं अपने हाथ से, क्या बना रहा है, सर्कल टाइप का रूप ले रहा है, क्या बना रहा है, आर्क बना है, यहाँ पर क्या बना रहा है, ये चाप, इतना बड़ा चाप बनाया है, उससे एरिया ये कवर हुआ। इसी प्रकार वाइपर भी मूव करेगा और इतना एरिया को कवर करेगा, और एक रेडियस कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो वाइपर कितना एरिया को साफ कर पाएगा, जबकि हमें थीटा पता है, कितना डिग्री तक वह मूव करता है, 115 डिग्री तक, यही ना है। तो बुहार के साथ प्रत्येक मतलब होता है क्या, एक, प्रत्येक मतलब क्या है, एक, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा वह क्षेत्रफल ज्ञात करे, पत्तियों के, इसलिए पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल, साफ किए गए क्षेत्रफल बराबर क्या वाइपर लगा हुआ था, 2 मल्टीप्लाई थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, थीटा यानी कि 115 बटा 360 पाई का वैल्यू गिवन है, गिवन है नहीं, तो 22 बटा 7 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर, 25 को 25 से गुना करेंगे 625 आएगा, ऐसे ही कट रहा है तो काट देते हैं, कितना बढ़ जाइए 180 ना, फिर ये 90 ना, फिर ये 45 ना, अभी कट रहा है 7 से कट रहा है ना, ये 7 से कम 7, 7 चलेगा ना, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा 5 से, 5 नवा 45, 5 से 5 दिन 10 और 5 3 15, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ मिस्टेक हो गया काटने में, 2 से इसको काटे 180 आया, ठीक है, फिर 2 से काटे तो 90 आया, तो फिर से हम काट दे रहे हैं, ठीक, ये 2 से काटे इसको 180, फिर 2 से 11 टाइम्स है, 2 से कितना हो गया 90, ठीक है यहाँ तक। अब 5 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 से, 5 से कम 5, शेष क्या बचा यहाँ से, 4, 5 अठे 40, आइए 5 से करके क्या देगा, 5 × 10, 5 × 15, अब सबको जब गुना करेंगे तो गुना करने पर हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, 25% 625, 625 को फिर 11 से गुना करेंगे, फिर 23 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 8 125 बट्टा में
18 से 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले एक त्रिज्यीय खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जहाज पानी में चल रही है और पानी के अंदर कहाँ पे ठोकर है, पत्थर है, उसको इंडिकेट करने के लिए 16.5 किलोमीटर दूरी से ही जहाज में लगा हुआ इंडिकेटर जो होता है रेड कलर का, वो डिनोट कर देता है कि इतना डिस्टेंस पे चट्टान है। तो वही हिसाब से अपना चलाएगा पानी में कि मूव कर देगा, थोड़ा पहले तो घुमा लेगा, यदि एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। तो वो लाइट हाउस जो बना रहा है, ध्यान से लेना, मान लो यहाँ से लाइट निकल रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस तक जाता है, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस पहले बता देता है, और वो प्रकाश जो है 80 डिग्री एंगल तक फैल के बताता है। तो कुछ इस प्रकार का स्टेप ले लेगा, ये भी त्रिज्यीय खंड है। तो बोला जा रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस में जहाज की चेतावनी दी जा सकती है। तो ये चेतावनी दी जा सकती है इतना एरिया में, तो निकाल देते हैं लाइट हाउस द्वारा बना कोण। लाइट हाउस द्वारा बना कोण जो है, जिसको कहते हैं हम लोग थीटा से नोट कर रहे हैं, 80 डिग्री, ठीक है, त्रिज्यीय खंड में इतना किलोमीटर दूर पर लाल रंग का प्रकाश फैलता है। लाल रंग के प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश के फैलने की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर, जो डिनोट करा किसको, आर को ना, तो रेडियस कितना आ गया, 16.5 किलोमीटर कितना है, 16.5 किलोमीटर, चलो बन गया है। निकालना है क्या हमें, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। इसलिए जहाजों को चेतावनी दी जा सकने जहाज इसलिए जहाजों को चेतावनी दिए जा सकने वाले दिए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा की जगह हम लोगों को पता ही है 80 डिग्री बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, दिया हुआ है 3.14, तो हम पुट करेंगे 3.14 इनटू रेडियस की जगह पर 60.5 किलोमीटर का स्क्वायर कर देंगे, और इसको आगे तुम लोग खुद चेक कर लेना, आंसर पे पहुंच जाएगा, डू योर सेल्फ, ठीक है। क्या है, एक गोल मेज पोस है, मेज पे रखने वाला कपड़ा मेज पोस कहलाता है, पर 6 समान डिजाइन बने हुए, एक गोल मेज पोस है, ठीक है, इस पर 6 डिजाइन बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, शेप जो है वो हेक्सागोनल है, कुछ इस प्रकार का मेज पोस है जिसपे ये सब डिजाइन बना हुआ है, साइड में डिजाइन बना हुआ है, सब साइड से डिजाइन बना हुआ है, और यही डिजाइन का
एरिया हमें निकालना है। कितना आसान है, ध्यान से देखना। अगर इस सर्कल में से इस हेक्सागोनल शेप को हटा दे यानी कि घटा दे तो ये पार्ट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो हमें इस हेक्सागोनल शेप का क्या निकालना होगा, एरिया। वो कैसे निकालेंगे तो थोड़ा समझना। जब वृत्ताकार भाग बना होगा तो उसका सेंटर जरूर होगा और इसको इससे मिला दे त्रिभुज बनेगा, 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 इसको इससे मिला दे त्रिभुज बनेगा। और ये कितना पार्ट में बटा है उस चीज को भी देख लो, 6 इक्वल पार्ट में बटा है यानी 360 डिग्री, 6 इक्वल इक्वल पार्ट में बटा है यानी 60-60 डिग्री बटा होगा। तो ये एंगल जो मेरा होगा वह 60 डिग्री का, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना और उसी केंद्र पर जो एंगल बना 360 उसी को ना 6 बराबर भाग में बांटे हैं तो कितना एंगल बनेगा, 60-60 डिग्री का एंगल बनेगा क्या। अब ध्यान से देखो इसमें और तुम क्या पाओगे, तो तुम पाओगे क्या चीज, यह एक वृत्त का खंड है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, उससे हम लोग को एक पार्ट पता चल जाएगा। ऐसे तो 6 पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे, काफी इजी था कि नहीं। तो मेज पोष का क्या क्या हमें गिवेन है, त्रिज्या पता है हमें, गोल मेज पोष है, गोल मेज पोष की त्रिज्या जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस, वह हमें पता है कितना, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं ओ ए बी और ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, ओ ए पी बी पर बना कोण, बना कोण जिसको हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से, वह क्या होगा, 360 डिग्री बट्टा 6 यानी कि 60 डिग्री। आया बात समझ में, ठीक है। ये एक डिजाइन है, एक डिजाइन देखने में कैसा वृत्त खंड जैसा है, इसलिए एक डिजाइन का, एक ही डिजाइन का निकालेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर जगह का कमी, अच्छा लिख देते हैं, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, चाहे ऐसे हम लिखते हैं ज्यादा समझ आएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी वी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, समझ आया। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 जबकि थीटा के जगह पर 60 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है तो 22/7, आर स्क्वायर तो रेडियस पता है 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर माइनस 1/2 त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर की जगह पर 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर और साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री। ध्यान से देखो 600 कैंसिल, 6 6 6 6 6 31, अभी हम नहीं काटेंगे क्योंकि हम लोग कॉमन ले सकते हैं 28 × 28 को क्या, माइनस 1/2 इंटू 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, जबकि इस क्वेश्चन में दिया गया है √3 का मान आपको लेना है 1.7 ओनली, समझा ना बात।
हम आगे इसको खुद से कर लेंगे, तुम लोग करना डू योर सेल्फ। अगर प्रॉब्लम आएगा तो पूछेगा। और भी कुछ इसमें दिया गया है? डिजाइन जो बना है उस पे खर्चा बैठा है, ये एक डिजाइन का निकला है, ऐसा सा छह डिजाइन है, तो जो मेरा आएगा उसमें छह से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसमें खर्चा वर्चा भी बैठा है, ऐसा नहीं बना है डिजाइन। डिजाइन जो बनाने में लगा खर्चा 0.35 रुपया लगा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग सेंटीमीटर अगर करेंगे तो 0.35, इसलिए जितना आएगा उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को पता चल जाएगा कितना रुपया खर्चा लगेगा। तो बन जाएगा एक डिजाइन का निकला, ऐसे से छह डिजाइन बने हुए हैं, छह डिजाइन कितने का निकले, छह से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसमें हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा कितना रुपया खर्चा बैठेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनना है। देखो, त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, निम्नलिखित में कौन होगा ना, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, इसमें समय को चुनना है। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए थीटा के बराबर पी रखना था, पी बट्टा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ऑप्शन बी जो है पी बट्टा 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी जो मेरा है पी बट्टा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और ऑप्शन डी जो मेरा है वो है पी बट्टा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और यही मेरा सही होगा। वो कैसे देखते हैं, देखो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं, जबकि थीटा के जगह हमें लेना था पी, ले लिए बाई 360, 360 पाई के जगह पाई, और रेडियस को मानना था कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्म में कौन दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, अगर दो से काट दिए 360 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर पूर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा राइट होगा। ठीक है, नोट कर।